मैं हूं बुशरा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। नेशनल काउंसिल ऑफ कैनेडियन मुस्लिम्स का ट्रूडो से मुलाकात से इनकार। एनसीसीएम का कहना है कि ट्रूडो अपने वादे पूरे करने में नाकाम रहे। लिबरल्स की जानिब से गजा के मौके पर मुलाकात मनसूख की गई। कनाडा की जानिब से तुर्किया पर आयद असलहा पाबंदी ख़त्म कर दी गई। असलहा समेत दीगर ज़रूरी दिफाई मसनूआत बरामद की जाएंगी। आज़रबाईजान की हिमायत पर कनाडा को असलहे की फरोख पर पाबंदी आयद की गई थी। ईरान का अमरीका में कैनेडियंस की खिदमत हासिल करने का इंकशाफ। कैनेडियन शहरी ईरानी इंटेलिजेंस की हिदायत पर काम करते थे। अमरीकी अदालत की जानिब से फर्द जुर्म आयद कर दी गई। फौजियों पर हमले का जवाब मुंतखब वक्त पर अपने तरीके से देंगे। अमरीका की ईरान को धमकी। जॉन किर्बी ने कहा कि सदर जो बाइडन मुशावरत से सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। हेडलाइंस आपने जानी और अब शामिल करते हैं खबरों की तफसील। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। लाइटो इमिग्रेशन इज ए रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट। वी डील इन स्टडी, वर्क, पीएनपी एंड पीआर वीजास, गेट स्टार्टअप वीजास, वर्क परमिट and business visas. We rise by lifting others. Lighto Immigration. कनाडा की मुस्लिम काउंसिल ने नफरत पर मबनी जराइम गजा पर लिबरल मौके पर ट्रूडो से मुलाकात मनसूख कर दी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा की मुस्लिम काउंसिल ने नफरत पर मबनी जराइम गजा पर लिबरल मौकफ पर ट्रूडो से मुलाकात मनसूख कर दी। नेशनल काउंसिल ऑफ कैनेडियन मुस्लिम्स ने पीर को वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो के साथ होने वाली मुलाकात को अचानक मनसूख कर दिया और उनकी हुकूमत पर फलस्तीनियों के तहफ्फुज़ या नफरत पर मबनी जराइम के खिलाफ ठोस इकदाम करने में नाकाम होने का इल्ज़ाम लगाया। चीफ एग्जीक्यूटिव स्टीफन ब्राउन ने एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम अब इस वज़ीर आज़म के साथ बात करना मुफीद नहीं समझते। इसमें कोई नई बात नहीं है जो हम कह सकें। हम ये सब पहले कह चुके हैं। हम अब इस वज़ीर आज़म के साथ बात करना नतीजा खेज नहीं समझते। ट्रूडो ने मुलाकात की मनसूखी पर बराह रास्त खिताब नहीं किया और अपने तबसरों को इस्लाम फोबिया के खिलाफ कार्रवाई के कौमी दिन तक महदूद रखा। ब्राउन की ट्रूडो से मुलाकात तयशुदा थी ताकि वो मुस्लिम मुखालिफ नफरत से लड़ने की बुनियाद को छू सकें, लेकिन उन्होंने कहा कि वो इसलिए मुलाकात मनसूख कर रहे हैं क्योंकि वजीर आजम ने 2015 की इंतखाबी मुहिम में मुस्लिम कम्युनिटी से किए गए वादों पर अमल करने में अभी तक कोताही बरती है। इन वादों में नफरत पर मबनी जराइम पर मुकदमा चलाने के लिए मजीद काम करना और प्रोग्रामों और खिदमात को मुनासिब तरीके से फंड्स फराहम करना शामिल है। उन्होंने कहा कि उन्हें कोई सबूत नजर नहीं आता कि कनाडा इसराइल पर गजा की पट्टी और हमास पर बमबारी को कम करने के लिए दबाव डालने के लिए तैयार है। ब्राउन ने कहा, हम इस बात में दिलचस्पी रखते हैं कि हुकूमत इस मुल्क में इस्लामोफोबिया को कम करने के लिए हकीकी ठोस इकदाम करे और मशरिक़ वस्ता में दुश्मनियों को रोकने के लिए हकीकी ठोस इकदाम करे। ब्राउन ने कहा कि यह वाज़ह हो गया कि हमें पॉलिसी में इस लिहाज का सिर्फ उस वक्त ही फ़ायदा होता है जब हमारी जिंदगियां या हमारी हिफाजत तबाह हो जाती है। हमारी हुकूमत नफरत अंगेज जराइम के खिलाफ ठोस कानून साजी करने में नाकाम रही है। उन्होंने नोट किया कि कनाडा ने गुज़िश्ता हफ्ते अपने बहुत से इत्तेहादियों के साथ उस वक्त तोड़ दिया जब उसने इसराइल से फलस्तीनियों की नस्ल कुशी को रोकने के लिए बैनुल अक्वामी अदालत इंसाफ के हुक्मनामे पर अमल करने से इनकार कर दिया। कनाडा की हुकूमत ने तुर्किया को दिफाई मसनूआत फरोख करने वाली कंपनियों पर 2020 से आयशुदा पाबंदियां हटाने का फैसला किया है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कनाडा की हुकूमत ने तुर्किया को दिफाई मसनूआत फरोख करने वाली कंपनियों पर 2020 से आयशुदा पाबंदियां हटाने का फैसला किया है। हुकूमत की सरकारी वेबसाइट पर बरामद कुनंदा कंपनियों के लिए जारी बयान में वाज़ह किया गया है कि उन पर आयद पाबंदियां ख़त्म कर दी गई हैं।
इस फैसले के बाद अब असलहा समेत दीगर ज़रूरी दिफाई मसनूआत के हामिल बरामद कनंदगान तुर्किया के लिए दरख्वास्त दे सकेंगे, जिसकी छानबीन कैनेडियन इदारा बराए इंसदाद खतरात करने का अहल होगा। हुकूमत कैनेडा ने आर्मीनिया के ज़ेर कब्ज़ा आज़रबाईजानी इलाकों और बालाई काराबाग में जंग छेड़ने के नतीजे में आज़रबाईजान की हिमायत की पादाश में तुर्किया पर असलहा पाबंदी आयद कर दी थी। ईरान के मुबैना तौर पर अमरीकी सरजमीन पर कत्ल किए गए कैनेडियंस की खदमात हासिल करने का इंकशाफ हुआ है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। ईरान के मुबैना तौर पर अमरीकी सरजमीन पर कत्ल किए गए कैनेडियनों की खदमात हासिल करने का इंकशाफ हुआ है। मुबैना साजिश में मैरीलैंड में मुकीम अहदाफ को बार बार गोली मारने के लिए $350,000 की अदायगी शामिल थी। इल्ज़ामात की खबर एक ऐसे वक्त में सामने आई है जब ईरान के साथ शदीद कशीदगी पाई जाती है, जबकि अमरीका ने ईरान की हिमायत याफ्ता मलेशिया के हमले में 3 अमरीकी फौजियों की हलाकत के बाद जवाबी कार्रवाई की धमकी दी है। फर्द जुर्म में एक कैनेडियन मुश्तबा शख्स की शनाख्त डैमियन पैट्रिक जॉन रियान के तौर पर की गई है, जो हेलिस एंजलिस के मुजरिम ग्रोह का एक मुकम्मल रुकन है, जिसने मुबैना तौर पर 2020 के आखिर और 2021 के अवाइल में बंदूक बरदारों की एक टीम को जमा किया था। उस वक्त मिनीसोटा में गैर कानूनी तौर पर रह रहा था। उनकी खिदमत एक मुलजिम ईरानी मंशियात फरोश ने हासिल की थी, जो अमरीका के मुताबिक ईरान की वजारत इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी के खास अफसर की हिदायत पर काम करता है। फर्द जुर्म के मुताबिक पीटरसन ने वादा किया कि वो लोगों को भर्ती करेगा और उनसे ये कहेगा कि वो मुतासरीन के सरों में बार बार गोली मारे ताकि उनकी मिसाल बन सके। उसने मुबैना तौर पर रियान को एक मतलूबा शिकार के बारे में कहने के लिए टेक्स्ट भी किया, हमें उसके सर को उसके धड़ से मिटाना होगा। पीर को एक अलग कार्रवाई में रियासत हाई मुतहदा की हुकूमत ने मुबैना मंशियात फरोश नौजी इब्राहिम शरीफी जन तश्ती के जरिए चलाए जाने वाले नेटवर्क के खिलाफ माली पाबंदियों का ऐलान किया। इल्जामात मैरीलैंड में मतलूबा अहदाफ की निशानदेही नहीं करते हैं। हुकाम ने कहा कि उनके खिलाफ कत्ल की साजिश को अंजाम पाने से पहले ही रोक दिया गया था। मिनीसोटा में मुकीम अमरीकी प्रोसिक्यूटर एंड्रयू लॉगर ने कहा, वफाकी इस्तेगासा और कानून नाफिज करने वाले एजेंटों के हुनरमंदाना काम की बदौलत किराए के लिए कत्ल की साजिश को नाकाम बनाया गया और मुद्दा अलीहान को इंसाफ का सामना करना पड़ेगा। अमरीका की कौमी सलामती के तर्जुमान जॉन कर्बी ने कहा है कि उर्दन में अमरीकी फौजियों पर हमले का जवाब मुंतखब तरीके से देंगे। मजीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी कौमी सलामती के तर्जुमान ने एक बयान में कहा है कि उर्दन में अमरीकी फौजी बेस पर एक ही ड्रोन हमला हुआ था। हमें मालूम है कि उनके ग्रुपों के पीछे ईरान है। सदर जो बाइडन मशावरत से सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। जॉन कर्बी ने मजीद कहा कि अमरीकी फौजियों पर सूडान में ड्रोन हमला तनाज़ा बढ़ाने के लिए किया गया। फौजी तरीके से ईरानी हुकूमत के साथ जंग और खत्ते में इसका फैलाव नहीं चाहते, लेकिन हमले का जवाब अपने शेड्यूल वक्त और अपने मुंतखब तरीके से देंगे। अमरीकी कौमी सलामती के तर्जुमान जॉन कर्बी ने कहा है कि गजा से यरगमालियों की रिहाई के लिए बातचीत तामीरी रही है। यरगमालियों की रिहाई के नए माहदे के फ्रेमवर्क का जायजा ले रहे हैं। वाज रहे कि दो रोज कबल उर्दन में अमरीकी अड्डे पर ड्रोन हमले के नतीजे में 3 अमरीकी फौजी हलाक और 30 जख्मी हुए थे। अमरीकी सदर जो बाइडन और बरतानवी वजीर खारजा डेविड कैमरॉन ने उर्दन में हमले का इल्ज़ाम ईरान पर आयद किया था। दूसरी जानब ईरान ने हमले से मुकम्मल तौर पर ला ताल्लुकी का ऐलान करते हुए कहा था कि उर्दन में होने वाले हमले से हमारा कोई ताल्लुक नहीं और ना ही इससे मुतालिक हमारे पास कुछ है। ये तनाज़ अमरीकी फौज और खत्ते में मौजूद मजाहमती ग्रुपों के दरमियान है।